सुप्रभात बच्चों, हम उ की मात्रा पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे उ की मात्रा के शब्द। कुछ शब्द मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपकी बुक में भी है। पहला शब्द से आपको मैंने बताई भी थी कि उ की मात्रा किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से हम लिखते हैं। कछुआ, साबुन, दुकान, मुनमुन, चुन चुन, बुलबुल, ये सारे शब्द आपकी बुक में भी है। चुनरी, सुपारी, पुजारी, सब में मेरे को उ की मात्रा भी आ रही है, ई की मात्रा भी आ रही है। दुलारी, कुमकुम, कठपुतली, ये सारे शब्द आपको पढ़ने हैं। कठपुतली, सुमन, फुलवारी, सुमन, फुलवारी, कठपुतली, सुमन, फुलवारी, झुमका, घुटना, फुलवारी, झुमका, घुटना, चुप, कुछ, जो सारे के सारे छोटी उ की मात्रा के शब्द हैं। गुलाब, ये मैंने आपको 20 शब्द करवाए हैं, ठीक है। तो इनका एक बार मैं आपको दोहरान कर देती हूँ, उसके बाद में आपको ये अपनी कॉपी में करने हैं, बहुत सुंदर है राइटिंग में आपको। उ की मात्रा के शब्द,
दे में हमने ऊ जोड़ा तो दे को और ऊ को हम साथ में बोलेंगे तो क्या बना दू मैं दुम ते छू आ कछु कछुआ सा बू ने बे में ऊ जोड़ा से में आ जोड़ा सा बू ने दू का ने दुकान मुन 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 चे में ऊ जोड़ा चू ने चुन चुन बू ले बुल 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 चू ने री चुनरी सू पा री सुपारी ऊ जा री उजारी दू ला री दुलारी। देखो इनमें सब में यहाँ पे देखो बड़ी की मात्रा आ गई है इनमें रे में ई जोड़ा तो रे को दी को हम साथ में बोल देंगे ले को आपको साथ में बोलेंगे ला दू ला दी दुलारी कुम मैं कुम कुम कट पुतली कठपुतली सु मैं ने सुमन फूलवारी। अगर एक फूल हम ऐसे लिखते हैं फूल तो उसमें बड़ा हुआ आता है इसमें छोटा उ आएगा फुलवारी झुमका 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 घुटना घुटना चुप चुप पूछ पुछ गुलाब गुलाब। तो ये सारे 20 के 20 शब्द जो है आपकी छोटी उनकी मात्रा के आपको अपनी कॉपी में करने हैं और जो कल मैंने आपको पढ़ाया था उसका भी आपको मैं एक बार दोहरान कर देती हूँ तो आप उसको अच्छे से दोहरान करके पढ़ेंगे। अपनी बुक का पेज नंबर आप निकाल के रखेंगे 10। आया एक भिखारी दी चुनमुन को दुआ चुनमुन की जुराब बुन रही थी बुआ बुआ खुश थी बहुत निकाला अपना बटुआ कहा पकड़ 10 रुपया। तो ये कल हमने पढ़ा था तो इसका भी दोहरान हो गया है। एक बार आपस वापस से बता देती हूँ कि ऊ की मात्रा किस प्रकार से लगाते हैं किस प्रकार से उसको हम जोड़ते हैं। ऊ की मात्रा का आपको निशान बताया था मैंने ये वाला बताया था कि मैं निशान नहीं लिखाया पर कल मैंने लिखा था। जैसे हम किसी भी वर्ण को ले लेते हैं जैसे हमने लिया ग इस पे हमें ये जोड़ना है तो ये और ये हमें क्या बोलना है साथ में जोड़ के बोलना है तो ग और उ साथ में जोड़ के बोलोगे तो क्या बन गया गु। इसी प्रकार से ये सारे वर्ण जुड़ जाते हैं आपस में और वो मात्रा उसके साथ में जुड़ जाती है तो वो शब्द बन जाता है। ऐसे इस पे देखो ब आपको अगर निशान याद ना आए ये तो इसका मात्रा लगती है इसकी और इसका निशान कौन सा होता है ये वाला उ की मात्रा का तो आपको ये निशान भी याद रखना है कि उ की मात्रा का निशान इस प्रकार से होता है। और कल जो मैंने 2 दिन पहले आपको करवाई थी ई और ई की मात्रा का निशान वो अलग था तो उन मात्राओं के निशान भी आपको याद रखने हैं तो आपको मैं ए आ ई और ई और उ ये 4-5 मात्राएं आपको मैं करवा चुकी हूँ तो ये आपको आ चुकी होंगी अच्छे से समझ में और आप अच्छे से इनका दोहरान करेंगे इसमें कोई आपकी गलती ना हो और ये आपको 20 शब्द आपकी अपनी कॉपी जो है उसमें आपको करने हैं और वो बहुत सुंदर राइटिंग में होने चाहिए और इनको आपको पढ़ना भी है कि आपको ये पढ़ना आ रहा है ना। और आप जो अखबार घर पे आता है आपके उसमें से आप उ की मात्रा की ई की मात्रा की ये शब्द भी आप ढूंढ के अपनी रफ नोटबुक में लिख सकते हो जिससे कि आपको ये पढ़ना आएगा। तो आप कौन कौन सी मात्राएं पढ़ने लग गए हो अब ए की आ की ई की ई की और ऊ की तो आपको मैंने ई और ई की मात्रा में डिफरेंट भी बताया था कि ई की मात्रा जो छोटी की मात्रा होती है उस पर हम जोड़ नहीं देके बोलेंगे और बड़ी की मात्रा पे जोड़ देके बोलेंगे। इसी प्रकार से ऊ की मात्रा को भी हम छोटे ऊ की मात्रा को जोड़ देके नहीं बोलेंगे तो ये आपको मात्राएं अच्छे से करनी है। धन्यवाद।